हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका स्वागत है। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और हमने जैसे बात किया था कि यहाँ पर बिग प्लेयर बेयरिश थे और मार्केट में डेटा हमें इंडिकेट कर दिया था पहले। चलिए थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर डेटा गेटिंग बुलिश हो रहा था स्लाइटली, लेकिन अपसाइड मैक्सिमम 380 गया, फिन निफ्टी गया भी टस्ट। इसके बाद आप वहाँ पर डेटा क्या है, बेयरिश हो गया। तो डेटा जैसे बेयरिश हो गया, मार्केट आपको एक रेंज बाउंड रहा पूरा आज प्रीमियम का, सिर्फ डी के हुआ। तो अब बात कर लेते हैं डेटा के ऊपर, क्या यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है। कल हमारा आपको बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बिग प्लेयर क्या पोजीशन यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। तो अभी देखें तो फ्यूचर एंड कैश में क्या पोजीशन हुआ है, ऑप्शंस में भी क्या पोजीशन कैरी कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे आज फ्यूचर का ये एवरेज है 21,665 के ऊपर क्लोजिंग है कैश का। डी आई आज FII प्रो एंड रिटेल ट्रेडर्स ने, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग किए हैं, शॉर्ट क्लोज किए हैं, ये इनका बेयरिश व्यू रख रहा है कल के लिए। डी आई यहाँ पे पूरा जो है वो लॉन्ग पूरा ज़्यादा क्लोज कर दिया, वो शॉर्ट में आ गया। FII यहाँ पे थोड़ी सी अभी शॉर्ट ज़्यादा इंसीड किया है, ऑलरेडी ये लॉन्ग में है और प्रो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा हुआ है। तो प्रो पास दोनों तरफ पोजीशन बनाया गया। अगर फ्यूचर की पोजीशन देखें यहाँ पे, तो हमारे रिटेल ट्रेडर जो है उन्होंने आज यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई, डी आई ने लॉन्ग क्लोज किया, शॉर्ट में आ गया, और FII यहाँ पे अभी थोड़े बुलिश हैं और प्रो बेयरिश हैं। तो ऑल यहाँ पे जो चार प्लेयर में से सिर्फ FII बुलिश है, बाकी तीन प्लेयर यहाँ पे बेयरिश हैं, बेयरिश व्यू रख रहे हैं। और अगर हम बात करें स्टॉक्स फ्यूचर का, तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे 45% लॉन्ग है, FII भी 40% लॉन्ग है, और 13% हमारा प्रो लॉन्ग है, DI शॉर्ट है। तो DI अभी दोनों जगह शॉर्ट में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ऑप्शंस का, इस इंडेक्स ऑप्शंस में क्या पोजीशन बना है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आज उन्होंने 14,85,000 कॉल की बाइंग की, 11,95,000 सेलिंग भी किया, तो बाइंग यहाँ पे ज़्यादा 2,89,000, दैट मीन्स ये नेट बेसिस पे बाई आ गया। यहाँ पे ये कॉल साइड बुलिश व्यू रख रहे हैं। पुट साइड इन्होंने आज पुट की बाइंग क्लोज की, राइटिंग भी क्लोज की, यहाँ पे 570 पुट की राइटिंग है। तो कॉल की बाइंग, पुट की राइटिंग, ये एक बुलिश, जबरदस्त बुलिश वाली सिनेरियो बन रहा है हमारे रिटेल ट्रेडर का। अब दोस्तों अगर बात करें DI, एक्चुअली देखिए यहाँ पे पुट की बाई करके गए हैं, आज उन्होंने थोड़ी सी बाइंग किया। DI ज़्यादा ऑप्शंस में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये हमारे FII ने आज क्या किया, 3,44,000 बाई किया कॉल की, 3,85,000 कॉल की सेल भी किया। तो थोड़ी सी यहाँ पे देखें सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हुई, ओवरऑल इनके पास 4,85,58,000 कॉल की बाइंग है, कॉल साइड इनके पास बाई पड़ा हुआ है 4,55,000। पुट साइड आज उन्होंने क्लोज किया दोनों साइड, तो 5,38,000 भी पड़ा है, यानी नेट बेसिस पे ये बेयरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं देखा जाए तो स्लाइटली। अब प्रो की बात किया जाए तो प्रो यहाँ पे इन्होंने आज कॉल की जबरदस्त राइटिंग की है, तो यहाँ कल भी राइटिंग था, प्रो बेयरिश था, 488 हो गया, यानी ये बेयरिश हो गया, और पुट साइड इनके पास कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ पे 29,000 से ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश इंडिकेशन कर रहा है प्रो का। तो अभी FII उतने मार्केट में एक्टिव नहीं है, आप देखें पोजीशन का हैज करके चल रहे हैं बायर एंड सेलिंग का। तो नेट बेसिस पे यहाँ पे हमारे प्रो मार्केट को भी चला रहे हैं और प्रो बेयरिश हैं। अब ऑप्शंस में थोड़ा देख लेते हैं क्या यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है। तो एक्सपायरी यहाँ पे कल हमारा जो है बैंक निफ्टी का, सबसे पहले निफ्टी 21,500 का सपोर्ट है, 21,742 रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट 21,621। मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग है, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 21,000 के ऊपर। राइटर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ITM में देखें तो 56% है, कॉपुट में, OTM में, ATM में और OTM यहाँ पे कॉल में, यानी ओवरऑल 55% ये बेयरिश है। बार यहाँ पे पुट में है, ये भी एक बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है। 21,700 का फर्स्ट पेन और सेकेंड थर्ड नीचे है, यानी मार्केट का डायरेक्शन नीचे है। बैंक निफ्टी 47,558 का सपोर्ट, 47,875 का रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट 47,771 का, और क्लोजिंग आपको 761 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है। राइटर यहाँ पे जबरदस्त कॉल में बैठा है और बायर कॉल में भी है, लेकिन राइटर है तो जबरदस्त वाली 87% रख सकते हैं। बैंक निफ्टी कल बियरिस रहेगी, 47,900, 48,000, 47,800 ये यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है पेन का। तो थोड़ी मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट यहाँ पे लगभग नीचे की तरफ है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट तो ऊपर है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग पॉइंट काम नहीं करता है, और पेन ऊपर थोड़े से हैं, तो मैक्सिमम 47,900 जा सकता है, इसके ऊपर 47,800 के ऊपर भी मुश्किल है, मार्केट 820 मैक्सिमम जा सकता है। और फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी रहा,
फिर निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी अगर हम बात करें यहाँ पे 9th का है, तो यहाँ से डेटा चेंज नहीं हो रहा, मैं 9th का डेटा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। फिर निफ्टी का 9th का ही डेटा है दोस्तों, तो 9th में अभी आज देखें राइटर जबरदस्त कॉल राइटर बैठा हुआ है, सपोर्ट 21329 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस 21367 का, और न्यूट्रल पॉइंट 21348 का मार्केट वहीं क्लोजिंग दिया है। राइटर यहाँ पे सारे कॉल की तरफ बैठे हुए हैं, बायर पुट की तरफ, यानी ये भी बियरिस है। और हमारे जो मिड कैप निफ्टी भी ऑलरेडी यहाँ पे बियरिस में है, कॉल राइटर और पुट बायर, यानी ये डेटा आपको ऑप्शंस का भी बियरिस इंडिकेशन कर रहा है दोस्तों। मैं इतना शॉर्ट में डेटा दिख रहा हूँ कि आपको राइटर एंड बायर अगर पता चल जाएगा तो ही आप मार्केट का डायरेक्शन पता कर पाएंगे। अब चलिए हम थोड़े से प्राइस एक्शन देख लेते हैं। प्राइस एक्शन में क्या हमारा, अब मैंने बात किया था कि 21800 के ऊपर फ्रेश निकलेगा, 21820 के ऊपर तो ही हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट रखना है। और नीचे का टारगेट हमने ये दिया था, ये टारगेट 21500 का, आज 21558 का लगाया, ओवरऑल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर दिया है, तो मार्केट यहाँ पे बियरिश ही है। एक बार 21500 को ब्रेक करता है तो फिर 21200 का टारगेट दिखाई देगा नीचे साइड, यानी डेटा बियरिश है तो आपको ऊपर ही मरना है, जितना ऊपर मिला आपको अभी शॉर्ट करना है। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी आज देखें कि 48000 का लेवल ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट 47300 बैंक निफ्टी का लेवल दिखाई देगा, ऊपर का हमारा सब रेजिस्टेंस 47960 का रहेगा, 47718 का, तो 47820 मैक्सिमम, इसके ऊपर आपको जहां मिले आप शॉर्ट करिए। नीचे का टारगेट 47350 का रख सकते हैं बैंक निफ्टी का कल। फिर निफ्टी भी ऑलरेडी आपने यहाँ पे एक लेवल अभी ब्रेक किया है, जो हमारा 1.41 लेवल 21400 का है, उसके नीचे आज क्लोजिंग दे दिया है 21339 का। नेक्स्ट टारगेट हमारा, पहला टारगेट आपको 21200, इसके बाद फिर 21000 का लेवल रहेगा। और मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर 10433 यानी कि ऊपर जब चलेगा तभी हम उसको लॉन्ग कर पाएंगे। आज 10263 का लो लगा है, यहाँ पे देखें लगभग 10249 का, तो बियरिश ही है। यानी FII की बात करें, थोड़ा सा उन्होंने कैश में बाइंग किया है, डे आज ज़्यादा सेल किया है, डेटा बियरिश है। ऑप्शंस का भी आप सोच समझ के ट्रेड करिए दोस्तों, लाइव मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं लाइव में अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना भूलिए। मिलते हैं कल और एक लर्निंग वीडियो में दोस्तों। आप अगर चाहें ऑप्शंस का कि ऑप्शंस में डेटा कैसे वर्क करता है सीखना, कैसे आपको ट्रेड करना है, तो मेरा नेक्स्ट बस एक दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों। डिस्क्लेमर आपने पढ़ लिया होगा कि सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर बाय या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वैसे जरूर चला लीजिए।